नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको शिजू तुजू के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। और इन शिजू तुजू फैक्ट्स के बारे में जानने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि कैसे यह स्मॉल डॉग ब्रीड छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप एक डॉग लवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट शिजू तुजू डॉग्स। फैक्ट नंबर 1, शिजू तुजू डॉग्स की हिस्ट्री। शिजू तुजू डॉग ब्रीड का ओरिजिन तिब्बत से है, लेकिन बाद में शिजू तुजू को चाइना और एशिया में भी ब्रीड किया गया था। माना जाता है कि शिजू तुजू डॉग्स काफी ज्यादा पुराने डॉग ब्रीड में से एक हैं, जो लगभग 1000 BC में ब्रीड की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह डॉग ब्रीड 1000 साल पुरानी है। पर ऐसा कहा जाता है कि शिजू तुजू डॉग्स के जो पूर्वज थे वो लगभग 1000 BC से वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना में रहते आ रहे हैं, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, शिजू तुजू डॉग्स की पर्सनैलिटी। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर एक डॉग ब्रीड को एक पर्पस के लिए ब्रीड किया जाता है, लेकिन शिजू तुजू डॉग्स को सिर्फ एक कंपेनियन के रूप में ब्रीड किया गया था। और रियलिटी में भी शिजू तुजू डॉग्स का पर्पस सिर्फ एक कंपेनियन के जैसा था, और इसी वजह से हम लोग शिजू तुजू डॉग्स को गार्ड डॉग और हंटिंग डॉग की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लव और अफेक्शन इस डॉग ब्रीड की फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है, और इन डॉग्स को अपने ऑनर की गोद में सबसे ज्यादा रहना पसंद होता है। यह डॉग ब्रीड अपनी फैमिली और ऑनर के साथ सबसे ज्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि इनको लोगों की अटेंशन काफी ज्यादा पसंद होती है। लेकिन शिजू तुजू डॉग्स काफी ज्यादा अलर्ट भी होते हैं। फैक्ट नंबर 3, शिजू तुजू का मतलब है लिटिल लायन। आप लोगों ने शिजू तुजू डॉग्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आप में से काफी कम लोगों को शिजू तुजू का रियल मतलब पता होगा। तो दोस्तों, शिजू तुजू का रियल मतलब होता है लिटिल लायन, यानी कि छोटा लायन। दरअसल यह वर्ड शिजू तुजू एक मैंडेरियन फ्रेज है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लिटिल लायन। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में जब इस डॉग ब्रीड को बुद्धिस्ट और लामाज ने ब्रीड किया था, तो इनको कुछ इस तरह से ब्रीड किया गया था जिससे कि यह डॉग ब्रीड एक लायन की तरह दिख सके, जिसकी वजह से इसका नाम शिजू तुजू रखा गया। फैक्ट नंबर 4, शिजू तुजू को क्रिसेंथेमम फेज डॉग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि शिजू तुजू का दूसरा नाम क्रिसेंथेमम फेस डॉग भी है। कहा जाता है कि जब तिब्बतन बुद्धिस्ट ने चाइनीज एम्परर्स को ऐसा रॉयल्टी गिफ्ट शिजू तुजू के रूप में दिए थे, तो वहाँ के कुछ चाइनीज एम्परर ने इस स्मॉल डॉग ब्रीड का नाम बदलकर क्रिसेंथेमम फेस डॉग रख दिया था। लेकिन एक डिबेट के बाद इस डॉग को शिजू तुजू के नाम से ही जाना जाने लगा। क्या आपको इस वाले शिजू तुजू फैक्ट्स के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 5, शिजू तुजू पूरी दुनिया में सिर्फ 14 ही डॉग बचे थे। एक टाइम था जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान शिजू तुजू डॉग ब्रीड ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गई थी, और पूरे चाइना में सिर्फ 14 ही शिजू तुजू डॉग्स बचे थे, जिसमें से 7 मेल और 7 फीमेल शिजू तुजू डॉग्स थे। तब जाकर चाइनीज एम्परर ने समझा कि यह पॉपुलर डॉग ब्रीड खत्म होने जा रही है, तो फिर उन शिजू तुजू डॉग्स को बचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए, उनकी केयर की गई और उनको सही तरह से ब्रीड करवाया गया। तब जाकर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे शिजू तुजू डॉग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। दोस्तों, अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 6, यह डॉग्स 14 डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैनल क्लब, शिजू तुजू डॉग्स आज के टाइम पर 14 डिफरेंट कलर्स में और 3 अलग अलग मार्किंग में अवेलेबल होते हैं, और ज्यादातर शिजू तुजू के फोरहेड पर छोटे व्हाइट स्पॉट होते हैं, जिसकी वजह से शिजू तुजू डॉग्स को स्टार ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, यह डॉग्स चिल्ड्रंस के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिजू तुजू डॉग्स चिल्ड्रन के साथ काफी ज्यादा खुश रहते हैं, जिसके वजह से इनको एक बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड में काउंट किया जाता है। अपने सीधेपन और जेंटल नेचर की वजह से यह डॉग्स आराम से हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर। फैक्ट नंबर 8, शिजू तुजू डॉग्स एक पूरी तरह से अपार्टमेंट डॉग्स हैं। जी हाँ दोस्तों, शिजू तुजू डॉग्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ रह रहे हैं। जब तक वह अपने ऑनर के साथ हैं, वह एकदम खुश हैं। यह डॉग्स काफी ज्यादा एडेप्टेबल होते हैं और अपने आप को हर जगह कंफर्टेबल फील करवाते हैं, फिर चाहे वह बड़ा अपार्टमेंट हो या कोई छोटा सा घर। यहाँ तक कि इन डॉग्स को ज्यादा बाहर जाना भी पसंद नहीं है, जिसके कारण इनको एक परफेक्ट हाउस डॉग की तरह काउंट किया जाता है। शिजू तुजू को बाहर जाने की जगह टॉयज के साथ खेलना और अपने ऑनर की गोद में बैठना ज्यादा पसंद होता है। फैक्ट नंबर 9, ये काफी ज्यादा ग्लैमरस और एथलेटिक डॉग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शिजू तुजू के लंबे और घने हेयर्स होने की वजह से यह डॉग्स काफी ज्यादा ग्लैमरस और अट्रैक्टिव दिखते हैं।
और इनके लंबे और घने हेयर्स इनको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट बनाते हैं। लेकिन इन लंबे सुंदर हेयर्स के अंदर शिहितुज़ू की एक मस्कुलर बॉडी छिपी हुई है और इस मस्कुलर बॉडी की वजह से यह डॉग ब्रीड एजिलिटी कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि 2014 में शिहितुज़ू ऐसी पहली डॉग ब्रीड थी जिसने एजिलिटी टाइटल और चैंपियन टाइटल अपने नाम किए थे। फैक्ट नंबर 10, यह डॉग सेलिब्रिटीज के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। आप में से काफी लोगों को यह पता होगा कि शिहितुज़ू डॉग्स काफी ज्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है, पर आप में से काफी कम लोग इस बात को जानते होंगे कि यह डॉग ब्रीड सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी फेमस सेलिब्रिटीज ने शिहितुज़ू डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है, जिनमें शामिल हैं बिल गेट्स, बियॉन्से, क्वीन एलिजाबेथ II, कॉलिन फेरल, मारिया कैरे, निकोल रिची जैसी फेमस सेलिब्रिटीज। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 शिहितुज़ू डॉग फैक्ट्स की वीडियो। आई होप आपको यह शिहितुज़ू फैक्ट्स इन हिंदी पसंद आए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप एक डॉग लवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह डॉग से रिलेटेड हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।